मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन का वार्षिक प्रांतीय अधिवेशन इस बार बुंदेलखंड क्षेत्र के दमोह जिले में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के कई जिलों के संभागीय पंचायत सचिव संगठन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर संगठन के संभागीय और जिला स्तरीय चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर नव निर्वाचित पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। कार्यक्रम दमोह के मानस भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश भर के पंचायत सचिव जमा हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांत अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने की, साथ ही इस अधिवेशन में संभागीय और जिला स्तरीय चुनाव संपन्न हुए। इस मौके पर संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने मंच से कहा कि राजनीति में बुंदेलखंड अपनी एक अलग अहमियत रखता है, इसलिए अब पंचायत सचिव संगठन का बिगुल भी बुंदेलखंड के दमों से फूका जा रहा है, ताकि संगठन को भी मजबूती मिले। भारतीय न्यूज के लिए दमों से आयशा परवीन की रिपोर्ट। बुंदेलखंड हमारे जिस प्रकार राजनीति में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, उसी प्रकार सचिव संगठन में भी बुंदेलखंड एक बहुत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण संगठन है हमारा। निर्वाचन की प्रक्रिया आज पूरी हुई है यहाँ पर जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की, और बुंदेलखंड के सारे जिले के संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सरकार के वचन पत्र में जो मांगे हमारी है, सातवां वेतनमान, विभाग में संविलियन, प्रमोशन और सेवा काल की गणना नियुक्ति दिनांक से कराने जैसे बड़े मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं, और बड़े मुद्दे की लड़ाई लड़ने के लिए बड़ी सेना की आवश्यकता होती है, मजबूत संगठन की आवश्यकता होती है, और मजबूत संगठन की शुरुआत बुंदेलखंड से दमोह से आज हो रही है। क्या माना जाए, दमोह से इसका बिल्कुल फूंक दिया गया? बिल्कुल, दमोह मेरा पसंदीदा जिला है, मेरे सब पुराने साथी यहाँ पर हैं, खिलान जैसे लोग यहाँ के संगठन के जनक रहे हैं, तब से हम लोग यहाँ पर रहे हैं और जुड़े हैं, और आज भी दमोह से शुरुआत कर रहे हैं। तो दमोह हमारा बुंदेलखंड का केंद्र है, और केंद्र से जब कोई आवाज़ उठती है जिस तो हम लोग परिणाम की ओर पहुँचते हैं, और परिणाम हम लोग निकाल के सचिवों को देंगे दिसंबर तक। जी हाँ, निर्णय लिए जाएंगे कि अंशदायी पेंशन का जो कटौतरा है 2013 से शासन की मंशा थी करने की, आदेश भी किए थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उसको धरातल पर नहीं लाया गया है, और उसको हम लोग पुरजोर कोशिश करके और धरातल पर उतारेंगे। किस हद तक जाएगा आपका संगठन जी? इस पे हम लोग अभी मनन करेंगे, शासन से मांग करेंगे, ज्ञापन तो हम लोगों ने दिया ही है, यदि कुछ समय तक यदि पूरा नहीं किया जाता है, हम लोगों का कटौतरा चालू नहीं किया जाता, तो हम आंदोलन तक जाएंगे। नाम क्या लिखते हैं? डॉक्टर भरत से लोधी, संभाग अध्यक्ष सागर।